नहीं नहीं मैं तो दुकान छोड़ कर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं दया को बोल दूंगा, वो आ जाएगी। हाँ भले आप। ओहो हो मेहता साहब क्या बात है, हैं? ऐसे बाहर बैठ कर शाम का मजा ले रहे हो? अरे यार मजाक कर रहे हो जेठालाल, मेरे चेहरे पे मजा नजर आ रहा है कहीं? अरे सजा भुगत रहा हूँ सजा। और काय का मेहता यार, पपीता बोलो पपीता। नहीं मैं आपको बबीता नहीं बुलाऊंगा। जेठालाल सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। अरे बबीता नहीं पपीता बोलो मुझे, पपीता। पपीता क्यों? पत्नी पीड़ित तारक मेहता। अच्छा अच्छा वो पपीता। क्यों भाभी जी के साथ हो गया कुछ डिसुम डिसुम? हाँ उस गोबाचारी की एक एक बात सच हो रही है। अभी अभी अंजलि से माफी मांग के आ रहा हूँ बिना किसी गलती के। सुबह खुद ने सीडी बैग में नहीं रखी फिर भी मुझे माफी मांगनी पड़ी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हद है। मेहता साहब बुरा मत मानना, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसमें मैं बुरा क्यों मानूंगा भाई? अरे मेरा मतलब है आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन पत्नी को कैसे हैंडल करते हैं वो आपसे ज्यादा अच्छा मैं जानता हूँ। कैसे? पत्नी पे हमेशा ना ऐसे ऐसे आंख दिखा के दाग जमाने का, और दिन में दो बार है ना बिना होचा डांटी देने का। अरे धीरे बोलो जेठालाल, मरवाओगे तुम यार। क्या मेहता साहब इतना वाइफ से डरते हो? देखो पत्नी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, औरत की अकल पैर के पानी में ही होती है। पानी में? कौन से पानी में? अरे पानी पानी ए, ए। क्या बोलते आप इसको? ओहो पैर की एड़ियों में। ये आपके गोबाचारी की किताब की एक भी बात मेरे घर में लागू नहीं पड़ती है। मैं तो दया को वो मोबाइल में से बटन दबा के साइलेंस करते हैं ना, वैसे ऐसे एक उंगली के इशारे पे दया साइलेंस। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? चलो मेरे घर चलो, मैं दिखाता हूँ आपको जो पी के। क्या दिखाते हो क्या पी के? अरे जो पी के जलवे पति के। भैया माफ कर दो मुझे, मेरी तो मारी गई थी मति जो मैं बना पति। मुझे कोई जलवे नहीं देखने, पत्नी का जलवा तो देख के आ रहा हूँ, अब पति के नहीं देखने। ठीक है जैसी आपकी मर्जी, वरना मजा आता था आते थे तो। चलो चलता हूँ। जी दुखी हो गया हूँ यार। दया दया क्या है बापू जी? आप इधर ही बैठे, माफ करना मैंने आपको देखा नहीं। दया यहाँ पर तो हूँ। दया ऐसे दरवाजा खुला छोड़ती हो तुम? ए बबूचा मैंने खुला छोड़ा है, क्यों क्या हुआ? अच्छा आपने खुला छोड़ा है? नहीं आपने खुला छोड़ा होगा तो सोच समझ के ही खुला छोड़ा होगा। गर्मी हो रही थी मुझे इसलिए हवा की अवर जवर के लिए खुला छोड़ा है। दया अंदर आना। खाने में क्या बनाया आज? आप बताइए आपको क्या खाना है? ढोकला। ढोकला? ढोकला आज नहीं कल मिल सकता है, कल आना। हाँ मतलब मैं ढोकला आपको कल बना के दूंगी। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज क्यों नहीं? जरूर, देखिए ढोकला बनाने के लिए बहुत देर लगती है। एक वाट की चने की दाल और एक वाट की चावल को पूरी रात भिगोना पड़ता है, फिर दूसरे दिन उसका आधा आता है और फिर ढोकला बन सकता है। ठीक है तो बटाटा वड़ा बनाओ। बटाटा वड़ा? नहीं। क्यों बटाटा वड़ा नहीं बन सकता है? उसको भी रात भर भिगोना पड़ता है? अरे नहीं बटाटा वड़ा मैं अब भी बना सकती हूँ, पर मैं बटाटा वड़ा बनाऊंगी नहीं। अच्छा बनाऊंगी नहीं? क्या मैं पूछ सकता हूँ बटाटा वड़ा तुम बनाऊंगी नहीं क्यों? अरे बटाटा वड़ा बनाएंगे तो उसमें आलू आता है और आलू से आपको गैस हो जाएगा, और अगर आपको गैस हो जाएगा तो घर में चूरन भी नहीं है। तुम मेरे चूरन की चिंता मत करो,
तुम बटाटा वड़ा बनाओ, क्योंकि अगर आज मैं कुछ खाऊंगा तो सिर्फ बटाटा वड़ा खाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। देखिए घर में आलू ही नहीं है। ये क्या है दया, ढोकला तो के नहीं, आलू तो के नहीं, तो आदमी खाए क्या? ए भाई, वो शाक मार्केट के फेरी वाले की तरह क्या चिल्ला रहा है? क्या तकलीफ क्या है तुझे? देखिए ना बाबूजी क्या बोल रही है। हाँ तो वो सही बोल रही है, बटाटा वड़ा खा खा के खुद तो चैन से सो जाता है, लेकिन बहू का तो सोच। हाँ। जो है वो चुपचाप खा ले बबूचक कहीं का। फिर क्या सोचा, क्या खाओगे? सोचने से फायदा भी क्या, मैंने जो बनाया है आखिर वही खाना पड़ेगा ना। करेले की सब्जी गरम करके देती हूँ, खा लेना। मैं भी पत्नी पीड़ित हूँ।